अभी गाइस जो कि हम लोग जा रहे हैं बहुत ही बड़ा पुराना किला देखने के लिए। बाहर से इसका लुक देखो कितना मस्त लग रहा है। अभी हम लोग इसके अंदर जाने वाले हैं, जाकर देखेंगे कैसा है, क्या नजारा है, कैसा है। क्योंकि गाइस बहुत साल ये पुराना है वहाँ पे, मतलब कुछ आदमी लोग हैं उन लोगों से पूछेंगे कितना साल पुराना है। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप लोग, आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस बढ़िया रहेंगे, हम लोग आ चुके हैं फिर एक न्यू ब्लॉग के साथ। तो आज हम लोग जा रहे हैं मतलब शाही मुगल का सबसे पुराना किला की जो कि देखने के लिए वहाँ पे, मतलब बहुत ज़्यादा मैंने मतलब कुछ वीडियो भी देखा था तो वहाँ बहुत ही पुराना मतलब वो किला है। तो आज जा रहे हैं हम लोग वहाँ पे। तो अभी हम कमाल के घर पे हैं, यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। तो हमारे साथ है जो कि जावेद भाई और कमाल भाई। अभी जाकर हम लोग बाइक निकालेंगे क्योंकि एक बाइक तो यहाँ पे है और एक जो कि हम अपने घर से लेंगे। तो यहाँ से चलते हैं गाइस। तो अभी मौसम देखो आज बहुत ज़्यादा धूप है गाइस, देखो आसमान पूरा रेड हो गया है। और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि अभी जा रहे हैं पहले घर पे, वहाँ से पहले बाइक लेंगे हम। पहली बार हसन भाई देखो अपाची चला रहे हैं, चल रहे हैं हाँ। अभी गाइस जो कि हम लोग जा रहे हैं अपने बाइक लेने के लिए, क्योंकि फाइनली हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं जो कि हसन भाई जो कि मेरा बाइक चला रहे हैं और कमाल यहाँ से अपाची। अभी गाइस जो कि हम लोग जा रहे हैं बहुत ही बड़ा पुराना किला देखने के लिए, आप उस पर हमारे वीडियो पर बने रहिए। सुबह तो कि आप लोग मौसम देखो, मतलब धूप ज़्यादा है लेकिन अभी मतलब हवा थोड़ा लग रहा है इसलिए जो कि बहुत कम धूप लग रहा है। तो आसमान में देखो पूरा सूरज सामने ही है गाइस, अब जो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। सो जो कि फाइनली हम लोग अपने गांव से निकल चुके हैं, अभी हम लोग आ गए हैं हाईवे पे। और यहां से जो कि पेट्रोल लेना है क्या हसन भाई? पेट्रोल लेना है, पेट्रोल। तो सो जो कि अभी हम लोग पेट्रोल लेंगे, उसके बाद अभी मौसम देखो गाइस पूरा नीला नीला मतलब बादल है लेकिन थोड़ा थोड़ा देखो आसमान में धूप भी है गाइस, बहुत कम जो कि धूप लग रहा है लेकिन यहाँ हाईवे पे आने के बाद मतलब ठंडी ठंडी हवा लग रही है। फाइनली यहाँ पे आ गए हैं और यहाँ से देखोगा कि वहाँ पे सामने दिख रहा है जो कि छपरा का ताजमहल के नाम से जाना जाता है। आप लोग देखो वहाँ सामने दिख रहा है। तभी हम लोग गाड़ी को पहले पार करेंगे, उसके बाद जो कि हम लोग वहाँ पे जाने वाले हैं। तो अभी गाइस आप लोग देख सकते हो हम लोग पास में पहुँच गए हैं, इधर से इधर से आगे से आगे चलो। यहाँ पे गाइस देखो क्या मस्त मतलब दिख रहा है गाइस, बहुत पुराना जो कि ये किला है जो कि छपरा के नाम से आता है, छपरा का ताजमहल आप लोग देखो। तो पहले हम लोग यहाँ से उतरते हैं, चलो गाड़ी को पार्क वहाँ लगा ठंडे में। ठीक है जी हम लोग यहाँ पे आ गए हैं छपरा का ताजमहल में और यहाँ पे देखो जो कि हसन भाई और कमाल भाई सब यहाँ पे गाड़ी को पार्क किया लो। तो अभी हम लोग इसके अंदर जाने वाले हैं, जाकर देखेंगे कैसा है, क्या नज़ारा है, कैसा है। क्योंकि गाइस बहुत साल ये पुराना है वहाँ पे, मतलब कुछ आदमी लोग हैं उन लोगों से पूछेंगे कितना साल पुराना है। आप सभी को ये पूरा मतलब वीडियो में देखने को मिल जाएगा। आप लोग से हमारे वीडियो को बने रहे, चैनल को नहीं चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, अभी तक हमने वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को भी लाइक कर देना गाइस। चलो चलते हैं। यहाँ से यहाँ से नहीं उधर से। अरे क्या देख रहे हो? कैसे मतलब इतना बड़ा है, बहुत बड़ा है, ऊपर देख लो पेड़ और सब हो गया है। आप लोग बाहर से इसका लुक देखो कितना मस्त लग रहा है गाइस। और हसन भाई अंदर नहीं जानेगा, ये कबीर भाई पैर फंस गया। अभी गाइस आप लोग देख सकते हो ये किला मतलब कितना बड़ा है और बहुत ज़्यादा मतलब पुराना हो गया। हमारे ख्याल से कितना साल पुराना होगा, लगभग 300-400 साल। क्योंकि गाइस यहाँ पे आप लोग देखो नीचे भी मतलब पूरा बहुत बड़ा किला में था, क्योंकि मतलब ये पूरा जमीन ही किला मतलब में आता है। और यहाँ पे जो कि एक जो किला दिख रहा है और ये मतलब तीन ऐसा था, तीन बनाया गया था जो कि एक आपको सामने जो कि यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है और दूसरा जो कि यहाँ पे देखो ये वाला भी है जो कि मतलब इसका मैं जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो ये भी मतलब अभी खत्म होने वाला है क्योंकि पूरा ईंटा आप लोग देखो ईंट इसका मतलब नीचे गिर रहा है, ये बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया। और एक तीसरा जो आप लोग को यहाँ पे देखो मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये पूरी तरह से मतलब यहाँ पे मतलब ध्वस्त हो गया है, ये खत्म हो गया है आप देख सकते हो। और यहाँ पर मतलब सबसे मतलब यही एक बचा हुआ है और ये भी मतलब इसका कुछ रिपेयरिंग कोई कुछ होता नहीं है, मतलब पब्लिक से कुछ मतलब इसका कुछ है ही नहीं,
सब यहाँ से खत्म, कोई यहाँ पे आता नहीं है, मतलब कोई कोई मतलब यहाँ पे देखने वगैरह सब कोई मतलब आता है लोग, नहीं तो टूरिस्ट कोई आता नहीं यहाँ पे। और ये पूरा जमीन जो कि यहाँ पे दिख रहा है ना, ये सब मतलब इसी के मतलब थ्रू में आता है। और ये किस राजा का है ये तो हम लोग को भी नहीं पता, हम लोग मतलब ऐसे वीडियो देखे थे तो हम लोग आए हुए थे यहाँ पे देखने के लिए, क्योंकि गाइस बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग दूसरे देखो कितना मस्त लग रहा है। और यहाँ पे पास में ये एक तालाब भी है यहाँ पे देखो यहाँ, और सामने ही आपको रोड भी मिलेगा गाइस। देखो सबसे यहाँ से आगे जाओगे ना वो सामने वाइट घर दिख रहा है, उसके आगे रोड ही है यहाँ से, मतलब बहुत अच्छा, इसका लोकेशन भी बहुत ही अच्छा है गाइस, आप लोग देख सकते हो। अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर और देखते हैं अंदर का मतलब ये किला का स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब क्या उसके अंदर मतलब सही तरीके से है कि नहीं, क्योंकि अंदर मेरे ख्याल से तो बाहर से दिख रहा है ऐसे मतलब पूरा वो गोबर का लेप होता है, वो सब पाथा होता गया यहाँ पे। तो अभी हम लोग चलते हैं अंदर, चलो अंदर चलते हैं। पहले ये वाला तो जो ख़त्म हो गया पहले इसको देखते हैं, हाँ वो तो हो गई, जंगल हो गया पूरा, आप देखो आ गया भाई सबसे ऊपर, देखो गाइस कितना नीचे है लेकिन पूरा सामने जंगल दिख रहा है, आप लोग देखो पूरा जंगल ही जंगल है, और सामने आप सभी को रोड दिखेगा यहाँ से। और यहाँ से गाइस देखो किला क्या मस्त यहाँ से किला लग रहा है, पता है क्या है बहुत मजबूत है इसलिए बचा है, तो बाकी सब खत्म हो गया देखो। आओ ऊपर आओ, नहीं नहीं हम लोग ठीक है, चलो 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 आहा इधर हाथ मार पकड़ भाई, हम लोग आ गया। ए हसन आ गया, अभी गाइस यहाँ से देखो मतलब क्या मस्त दोनों किला, मतलब सामने ही सामने तीनों था यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे है क्योंकि ये पूरा जंगल हो चुका है, और दूसरा जो कि अभी ये छोटा वाला है उससे बड़ा, मतलब हमारे ख्याल से तीन ना सर सबसे छोटा होगा उससे बड़ा, उससे बड़ा ऐसे बनाया होगा लोग। देखो मतलब यहाँ पे पूरा मीनार भी यहाँ पे धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे देखो ये पूरा मीनार मतलब टूट गया है। और चलो अंदर उसके अंदर चलते हैं, और वहाँ पे कुछ पब्लिक लोग हैं जो कि अपना गाय भैंस रखे हुए हैं लोग, तो देखो चलो इसके अंदर इस पर देख रहे हो गाइस पूरा मतलब पेड़ हो गया है इसी के, मतलब इतना पुराना है कि इसके मतलब ऊपर पेड़ फट गया है देखो। काफ़ी धूप भी आप लोग देख सकते हैं, मतलब कितना पसीना हो रहा है, और कमाल भाई जावेद भाई उधर आप लोग देख रहे हो, भी आप उधर जा रहे हैं। तो गाइस बहुत मेहनत मतलब मेहनत से हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे हैं, अब आप लोग देख सकते हैं बहुत रिस्क लेकर गाइस, बहुत मतलब खतरा है यहाँ पे आने पे, यहाँ पे आओगे तो आप लोग देखो कोई एक भी आदमी दिख नहीं रहा है, केवल हम लोग ही हैं बस तीन, काफ़ी रिस्क लेकर ये वीडियो हम लोग शूट कर रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं सबसे बड़ा जो मतलब सबसे बड़ा किला है उसके अंदर, तो आप लोग यहाँ से चलते हैं, चलो जो कि हम लोग जा रहे हैं इसके अंदर देखते हैं मतलब इसके अंदर का क्या मतलब नज़ारा है, चलो कुमार देखो भाई ये सीढ़ी भी बनाया गया है, और इसके अंदर तो पूरा ये सब स्ट्रक्चर सब धीरे धीरे खत्म हो रहा है भाई, बहुत साल पुराना है ना, कितना कचरा है भाई, वाह क्या नज़ारा है भाई, बहुत ही मस्त है, मतलब पूरा डिजाइन के साथ यहाँ पे बनाया गया, आप लोग देखो डिजाइन कलर और सब कुछ, ये कलर धीरे धीरे अभी मिट रहा है ना हसन, हाँ क्योंकि अभी पूरा कलर दिख रहा है यहाँ से। और देखो गाइस अंदर का स्ट्रक्चर, अभी यहाँ पे मतलब जो भी इधर साइड के मतलब पब्लिक रहने वाले हैं वो सब गाय भैंस यहाँ पे रखते हैं, तो देखो ये सब मतलब कचरा करके रखे हुए हैं, वो मीनार है ना क्या बोलते हैं उसको, गुंबज का, हाँ देखो गाइस कितना मतलब ऊपर तक गुंबज है, अंदर से देखो कितना मस्त लग रहा है। जॉइंट में ही यहाँ पे दूसरा वाला किला है, यहाँ से गाइस मैं देखो दिखाता हूँ ये वाला, देखो गाइस पूरा पेड़ भी यहाँ पे हो गया, देखो इतना साल पुराना हो गया है मतलब कि इसके ऊपर मतलब पेड़ फट गया है, और ये भी देखो क्या मस्त लग रहा है गाइस, इसके अंदर देखो गाय भैंस मतलब यहाँ पे पब्लिक जो रहने वाले हैं वो मतलब इसको अपना बना लिए हैं, हाँ बहुत ठंडा हवा है, क्योंकि इसका देखो मतलब कम से कम मोटाई देखो क्या कितना मतलब मोटाई देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें तो गर्मी का नाम ही निशान नहीं है। पहाड़ का देखो गाइस क्या मस्त नज़ारा है,
पूरा मतलब बहुत ही अच्छा यहाँ पे किला है, लेकिन इसको मतलब यहाँ के लोगों ने पूरा ख़त्म कर दिया है। अगर इसका मतलब अच्छा से इस्तेमाल किया जाता तो बहुत अच्छा लगता है। अगर इसका पूरा सफाई हर जगह से मतलब हो जाता तो यहाँ पर मतलब ये टूरिस्ट पैलेस भी मतलब अच्छा मतलब बन सकता था, लेकिन ये लोगों ने यहाँ के जो भी रहने वाले हैं वो पूरी तरह से इसको मतलब ध्वस्त करने में और लगे हुए हैं, पूरा ध्वस्त करने में, क्योंकि यहाँ पे देखो कितना कचरा है नीचे। आप लोग देखो इसी में गाय भैंस मतलब जो भी दारू उरू सब पीने वाले बंदे हैं सभी चीज़ में आते हैं रहते हैं। अभी हम लोग पिज्जा खाने के बाद पानी पीने देखे जा रहे भाई, पानी पी पिज्जा यहाँ कहाँ से मिलेगा पूरा नीचे हम लोग पिज्जा पड़ा हुआ हम लोग तो सो गाइस पिज्जा आप लोग देख सकते हैं। और जावेद भी हमारे पिज्जा खाने के बाद पानी पी रहे। हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो हम लोग आए हैं आज छपरा के कड़िंगा में बहुत ही पुराना किले के पास। ये देखिए किले का अंदर का नज़ारा देखिए गाइस कितना ऊंचा है ये लगभग 25 फीट। और ये देखिए केवल देखते रहिए बस, केवल देखते रहिए। और इसमें से हम बाहर जब बाहर निकलते हैं तो देखिए बाहर जाते हैं हम। देखिए ये अफसर है इधर हटो कमाल हटो तो देखो दिखाओ देखो ये देखो कितना बहुत ही पुराना किला बहुत ही ज़्यादा हमको लग रहा है 300-400 साल पुराना है। यहाँ का मतलब दो स्ट्रक्चर बच गया है जो स्ट्रॉन्ग है, नहीं तो बाकी सब खत्म हो चुका है। इस तरह पूरा चारों तरफ कुछ नहीं बचा हुआ है। अक्सर मतलब जहाँ भी मतलब किला होता है तो उसके आसपास में तालाब होता है। तो देखो एक यहाँ पे तालाब है और दो मतलब उधर पीछे साइड में भी तालाब है। अभी चलो बाहर देखो और ये मतलब बहुत बड़ा था। हम लोग को भी नहीं पता गाइस कितना साल मतलब ये पुराना है क्या है, क्योंकि सब मतलब जितने भी तरफ देखो यहाँ पे गाइस पूरा ईंट यहाँ पे दिख रहा है। पूरा मतलब ग्राउंड पे होगा मेरे ख्याल से। बीच का जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है वही बचा हुआ है। हाँ पूरा साइड का जो भी स्ट्रक्चर है वो सब मतलब खत्म हो गया, ध्वस्त हो गया है। फाइनली गाइज हम लोग एक किला विजिट कर चुके हैं। कैसा लगा हसन घूम के? काफ़ी अच्छा है गाइज, मतलब आप लोग भी अगर आ सकते हैं तो आके घूम लीजिए, काफ़ी अच्छा है। तो देखिए गाइज मतलब आपको वीडियो में दिखाए होंगे मतलब कितना मतलब पुराना है पूरा अंदर का। तो हम लोग मतलब विजिट करके अब जा रहे हैं घर। तो ये देखिए जाहिद थक गया है, देखिए कैसे मतलब बैठा हुआ है। ये देखिए और कमाल उधर गया गाड़ी के पास, जा रहे हैं देख रहे हैं कमाल कहाँ पर बैठा, आपको दिखाते हैं। तो ये मतलब बहुत हमको मतलब बहुत अच्छा लगा। आप लोग मतलब आ सकते हैं बहुत ही नज़दीक अपना छपरा में है कड़िंगा कड़िंगा के पास। तो ये देखिए कमाल कहाँ बैठा हुआ, चलो कमाल। तो फाइनली हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। आप सभी को गाइस मतलब ये किला कैसा लगा आप लोगों में कमेंट में जरूर बताना। तो चलो हसन कमाल चलो निकलते हैं। सो गाइस देखो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। और चलो गाइस फाइनली हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। तो जो लोग भी है जब तक हमें वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस। देखो पीछे का व्यू क्या मस्त लग रहा है, देखो यहाँ से मतलब कितना मस्त किला लग रहा है गाइस। आप लोग देखो यहाँ से कितना मतलब बहुत ही अच्छा था, लेकिन इसका मतलब बस मेंटेनेंस में अगर आता ना गाइस तो बहुत अच्छा लगता। अगर यहाँ पे गांव के लोग जो यहाँ पे हैं अगर उसको मेंटेनेंस मतलब सब कुछ सही कर देते तो अच्छा लगता, लेकिन वहाँ पे क्योंकि दूसरा कोई लेकर वहाँ पे गाय भैंस मतलब क्या क्या वहाँ पे पाल रहे हैं वो अच्छा नहीं है गाइस, ऐसे मतलब सही नहीं दिख रहा है। चलो मिलते हैं हम लोग रास्ते में। सुबह जो ये किला देखो ये कड़िंगा में मतलब आता है ये किला। आप लोग भी अगर चाहो तो आप लोग आ सकते हो यहाँ पे घूमने के लिए। वहाँ सामने किला दिख रहा है, यहाँ से गाइस दिखेगा देखो वहाँ से। चलो गाइस हम अभी निकल चुके हैं अपने घर की तरफ। तो फाइनली अभी हम लोग अपने घर पे आ गए हैं। और आज का ब्लॉग जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग था, क्योंकि गाइस वहाँ पे मतलब वो किला बहुत पुराना किला था और बहुत अच्छा भी था गाइस। वहाँ पे जाने के बाद ऐसा महसूस हुआ, लेकिन उसके अंदर का जो एंट्री है वो बहुत बेकार कर दिया है वहाँ के रहने वाले, लेकिन फिर भी मतलब बाहर से बहुत अच्छा लग रहा है। अगर वो लोग चाहे तो मतलब अच्छा कर सकते हैं उसको, लेकिन आप लोग अगर भी जाकर एक बार मतलब जाकर देखना चाहते हो जाकर देख सकते हो भाई। ठीक है आज का ब्लॉग हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आप सभी को ब्लॉग अच्छी लगी ब्लॉग को लाइक करें, चैनल पे न्यू चैनल को भाई सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।